अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको वेव इफ़ेक्ट बनाना सिखाऊंगा कि लाइट मोशन में आप वेव इफ़ेक्ट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपली वीडियो लेयर ऐड कर लेनी है और आपने एक ये जो कोनों वाली स्क्वेयर है ना, ये ऐड कर लेनी है। आपने कोनों वाली स्क्वेयर ऐड करने के बाद आपने ऊपर तीन, ये जो तीन डॉट्स हैं इसके ऊपर दबाना है और स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया आपने कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने सिंपली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। ठीक है, आपने ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपने इस पर टैप करना है, थर्ड वाली ऑप्शन, और एक की फ्रेम ऐड कर देना आपने और इसको उठा के आपने बिल्कुल लास्ट पे ले जाना आपने। ठीक है, लास्ट पे लेके जाने के बाद आपने एक की फ्रेम और ऐड करना है, इसका साइज़ आपने बिल्कुल छोटा कर देना है, फुल स्मॉल साइज़ कर देना आपने इसका। ठीक है, और इस की फ्रेम को उठा के आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में कर देना है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है, इफ़ेक्ट्स ऐड करने हैं। आपने सबसे पहले एक इफ़ेक्ट ऐड कर लेना है टाइल्स का। ठीक है, आपने टाइल्स का इफेक्ट ऐड करके इसका सिंपल मिरर ऑन कर देना है। फिर आपने एक इफेक्ट ऐड कर देना है कॉपी बैकग्राउंड का। कॉपी बैकग्राउंड आपने ऐड करने के बाद एक लास्ट इफेक्ट आपने ऐड करना है फ्रैक्टल रैप का, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने सिंपल इसके मैग्नीट्यूड में आ जाना है। मैग्नीट्यूड में आने के बाद आपने एक की फ्रेम ऐड कर देना है और इसका मैग्नीट्यूड आपने कर देना है ज़ीरो। ज़ीरो करने के बाद आपने इस की फ्रेम को बिल्कुल लास्ट पे ले जाना है। फिर आपने एक की फ्रेम ऐड करना है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपने कर देना है ऑलमोस्ट 300 से लेकर 600 के बीच बीच में। ठीक है, मैं 400 कर देता हूँ। और आपने इस की फ्रेम को उठा के बिल्कुल स्टार्टिंग में कर देना है। फिर आपने ये जो ऑक्टा बेसिस है ना नीचे, इसको आपने कर देना है 2। ठीक है, ये आपका वेव इफेक्ट तैयार हो